नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस YouTube चैनल CGG के VDK में सभी दोस्तों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत जितना भी सिलेबस था पढ़ाना शुरू किया था, कवर करना शुरू किया था, जिसमें आप लोग का मैं पहला क्लास भूगोल लिया था, आप लोग का भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी पार्ट वन ले चुका हूँ। इसमें पूरा मैं अच्छे से मैप वैप को पूरा समझा दिया हूँ। आज भारत के भूगोल का दूसरा क्लास है, अर्थात इंडियन ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है, तो जिसमें को मैं सभी दोस्तों को बता दूं, अच्छे से पढ़ते चलो और सिलेबस को मैं कवर करते जा रहा हूं, प्रॉपर नोट्स बनाते चलो दोस्तों। जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, उतना मैं आप लोग को कवर कराऊँगा। तो आप लोग अच्छे से समझते चलो, पढ़ते चलो, लिखते चलो और प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, ठीक है। यही नोट्स आप लोग का लाइफ टाइम काम आएगा दोस्तों। एक बार नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो और लिखते चलो। चलो तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बात और, यदि मेरे इस चैनल में नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो तो आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा भारत का सामान्य परिचय। चलो दोस्तों, तो हेडिंग डालना आप लोग भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय। तो भारत का सामान्य परिचय हमें क्या क्या जानना है दोस्तों, कि हमारे भारत में कितने जनसंख्या रहते हैं, विश्व का कितना जनसंख्या है, विश्व में हमारा, विश्व के अंतर्गत देखा जाए तो हमारा क्षेत्रफल में जनसंख्या में हमारा भारत कितना आता है, और देखा जाए तो हमारे पूरे भारत में, आप लोगों का भारत में देखा जाए तो अक्षांशी रेखा की दूरी कितनी है, कौन कौन से अक्षांशी रेखा हमारा भारत स्थित है, कौन से देशांतरीय रेखा में स्थित है, ये सब समझते हैं। तटीय क्षेत्र को समझना है, पूरा जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के, मतलब पूरे भारत का। चलो तो पूरे भारत को समझते चलते हैं। सबसे पहले भारत को समझने से पहले, अर्थात भारत का सामान्य परिचय, अर्थात भारत का सामान्य परिचय में देखने से सबसे पहले हम लोग मैप बनाना अति अनिवार्य हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मैप बनाएंगे दोस्तों। चलो आप लोग भी साथ में बनाइए और अच्छे से पढ़ते चलिए। ये दोस्तों आप लोग का भारत का नक्शा, क्लियर है, ये आप लोग का भारत का नक्शा अर्थात भारत का मैप। अब देखते हैं कि हमारा भारत, सबसे पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारा भारत देश कितने अक्षांशी रेखा में स्थित है, ठीक। दूसरा देखेंगे कौन से देशांतर में स्थित है, ठीक है। फिर देखेंगे कि हमारा जनसंख्या में, जनसंख्या में कितना है हमारा भारत देश, क्षेत्रफल में कितना है इसको देखना है हमारे भारत देश का, ठीक है, ये सभी को देखेंगे दोस्तों। फिर हम लोग तटीय शहर को देखेंगे, क्लियर है, ये सभी को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, देखिए दोस्तों यहां पर छोटा सा समझिए, ये आप लोग का पृथ्वी, ग्लोब, ग्लोब याद रखना दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची गई भूमध्य रेखा, अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा भूमध्य रेखा होती है, जो कि पृथ्वी के दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्सा को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और भूमध्य की नीची रेखा को दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और उत्तरी जो गोलार्ध के सबसे उत्तरी स्थान को हम लोग उत्तरी पोल अर्थात उत्तरी बिंदु, और दक्षिण हिस्सा के सबसे दक्षिणी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी बिंदु कहते हैं, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में बिंदु को सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु कहते हैं। देखो तो याद रखना हमारा जो यह है भूमध्य रेखा का समांतर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा होती है, यह भूमध्य रेखा है, इसका समांतर पैरेलल खींची गई रेखा क्या होती है, अक्षांशी रेखा होती है, क्लियर है दोस्तों। तो दक्षिणी दिशा में खींची जाने वाली, दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाने वाली रेखा है दक्षिणी अक्षांश होता है, और उत्तरी अक्षांश में खींची जाने वाली रेखा उत्तरी अक्षांश होता है, ये आप लोग का होगा अक्षांश, ठीक है। अब देशांतरी की बात करें हम लोग, देशांतरी की, ये देखो देशांतरी, तो यहां पर नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की दिशा में दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा आप लोग का क्या देशांतरी रेखा होता है, ठीक है। तो देशांतरी रेखा देखा जाए हमारा, तो देशांतरी रेखा, तो देशांतरी रेखा दो भागों में होता है, इधर पूर्वी देशांतरी और इधर पश्चिमी देशांतरी, ठीक है, देखा दोस्तों। तो देशांतरी की बात करें तो हमारे ये
इसको दशांतरी रेखा कहते हैं जो कि हम लोग उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींचे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी रेखा आप लोग का? भूमध्य रेखा, ठीक है। ये वाला अक्षांशी रेखा है उत्तरी अक्षांश, ये वाला दक्षिण, मतलब ये आप लोग का दक्षिणी अक्षांश और ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश, क्लियर है। इस प्रकार तो ये हमारा देखा जाता है, आप लोग का हो गया देखा जाए यहाँ पर ये रेखा कौन सी रेखा हो गया? अक्षांशी रेखा। तो यहां से यहां तक की दूरी हमारा अक्षांशी दूरी होगा, अर्थात उत्तर से दक्षिण मापेंगे तो कौन सी रेखा को मापेंगे? अक्षांशी रेखा को मापेंगे। ये आप लोग का देशांतरी रेखा, तो देशांतरी रेखा में हम लोग पूर्व से पश्चिम को मापेंगे, ये आप लोग का देशांतरी रेखा। ये अक्षांशी रेखा हो गया आप लोग का और आप लोग का देशांतरी हो गया, क्लियर है। टोटल अक्षांशों अक्षांशी रेखा की संख्या होता है टोटल 180, ठीक है। यहां से जीरो होता है, जीरो से लेकर यहां पर गिनती करते जाएंगे टोटल 90 रहेगा ऊपर में और नीचे में दक्षिणी की तरफ आएंगे जिसमें टोटल 90 रहेगा, ठीक है। टोटल अक्षांशों की रेखा 180 होता है और अगर भूमध्य रेखा को गिनती करें तो 181, ठीक है। तो देखो दोस्तों हमारा जो भारत देश है, हमारा भारत देश है जो आप लोगों का यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और कौन से देशांतर में स्थित है? तो इधर देखो पूर्वी देशांतर बोला था, तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये पूर्वी देशांतर, तो हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, क्लियर है। और पूरी देशांतरों की अगर बात करें देशांतर की टोटल रेखा होती है 360, ठीक है। पूर्वी देशांतर में 180, पूर्वी देशांतर में और पश्चिमी देशांतर में 180, टोटल होता है 360, ठीक है। तो देखो तो यहां पर देखा जाए, अब देखो समझो, है ना, समझते चलना, वीडियो को थोड़ा समझो ज्यादा, अभी तो लिखवा नहीं रहा हूं, अच्छे समझो पहले फिर अच्छे से समझते चलना। देखो ये हमारा ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी में क्या बताया, ये आप लोग का भूमध्य रेखा दो भागों में, क्लियर है ना। तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, और कौन से देशांतर में? पूर्वी देशांतर में, ठीक है। ये देशांतरी रेखा है, ठीक, देशांतरी रेखा, अक्षांशी रेखा, समझ मिल गया। अब देखा जाए तो ये हमारे जीरो अंश के में कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा। तो देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके करते जाएंगे तो 23 हाफ, ठीक है, मतलब 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 अंश में, डिग्री में आप लोग का कौन सा रेखा है भाई? कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। और नीचे में देखा जाएगा फिर 23.5 अंश में, 23.5 डिग्री में देखा जाए, 23.5 डिग्री में, तो यहाँ पर आप लोग का मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। फिर से ऊपर जाएगा दोस्तों आप लोग का 62, 62.5, तो ये ऊपर में आ जाएगा, इधर देखा जाए तो आर्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक आता रेखा है, फिर नीचे में आर्कटिक, यहाँ पर 62.5 में आर्कटिक, ठीक है। तो हमें अंटार्कटिक नहीं जाना है, आर्कटिक नहीं जाना है, हमें मतलब है आप लोग का हमारे भारत देश से, यहाँ है अपना भारत देश ये, ठीक है। तो भारत देश कौन से अक्षांशी रेखा में स्थित करके पूछा जाता है, कौन से पूर्व, कौन से देशांतर में स्थित करके पूछा जाता है? तो हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है, और अक्षांशी रेखा की बात करें तो उत्तरी अक्षांश के, देखो ये उत्तरी अक्षांश 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8 नंबर पर, यहां से 8 से लेकर गिनती कर जाएगी तो 37, ठीक है, 18 से 37 उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। और पूर्वी देशांतर की बात करें टोटल इसकी संख्या 180, 180 में हमारा बात करें तो यहाँ पर 68 से लेकर के टोटल इधर 97, 68 से 97 के मध्य स्थित है पूर्वी देशांतर में, क्लियर है। तो चलो समझते हैं, तो इसी की भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है। तो भारत की बात करें, देखो ये हो गए आप लोग का अक्षांशी रेखा, ये अक्षांशी रेखा, ठीक है, अक्षांशी रेखा। यहां पर याद रखना दोस्तों, यहां पर श्रीलंका है, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप है नीचे का, ठीक ना। तो याद रखना आप लोग, यह आप लोग का अक्षांशी रेखा। तो अक्षांशी रेखा की बात करेगा, जैसे अक्षांशी रेखा की बात करेगा तो अक्षांशी रेखा में हम लोग, ये हमारा अक्षांशी रेखा, तो अक्षांशी रेखा में कहाँ कहाँ तक की दूरी मापते हैं? उत्तर से दक्षिण की दूरी। तो ये हमारा उत्तर, तो सबसे उत्तर में ये है और सबसे दक्षिण में ये है, क्लियर है। तो हमारे कौन से रेखा में स्थित है? तो यहाँ पर गिनती करते जाओ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद, और याद रखो दोस्तों 4 मिनट और, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरी अक्षांश, क्या हो जाएगा? अक्षांशी रेखा, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश
8 डिग्री 4 मिनट से 8 से लेकर 8 9 10 11 12 13 टोटल करते करते 37 डिग्री आप लोग का 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट में स्थित है उत्तरी अक्षांश। तो हमारा भारत देश उत्तरी अक्षांश, भारत देश कहां जी, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कितना से कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है, क्लियर है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये हो गया जिसकी टोटल लंबाई देखा जाए, जिसकी उत्तर से दक्षिण की टोटल लंबाई देखा जाए, तो उत्तर से दक्षिण की टोटल लंबाई है दोस्तों आप लोगों का 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। कितना बोला दोस्तों मैं, 3214, यहां पर लिख देता हूं 3214, ठीक है 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है हमारे भारत देश की, 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना यहां पर सबसे उत्तरी में, सबसे उत्तरी में आप लोग का कौन सा राज्य था, आप तो अभी आप लोग का पहले हमारा जम्मू कश्मीर था, अभी वर्तमान में लद्दाख आ गया है, क्या बन गया आप लोग का, इंडियन टेरिटरीज बन गया, अर्थात क्या बन गया आपका, देखा जाए तो हमारा जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया दोस्तों, अरे केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ना, केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहां पर याद रखना लद्दाख के सबसे ऊपरी हिस्से उत्तरी में आप लोग का इंदिरा कौर, याद रखना है इंदिरा कौर, याद रखना इंदिरा कौर। तो हमारे भारत की सबसे उत्तरी सीमा को क्या कहते हैं, इंदिरा कौर। इसके बाद आते हैं हम लोग दक्षिणी हिस्सा, तो दक्षिणी हिस्सा में यहां पर आप लोग का है तमिलनाडु, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में एक जगह है केप कमोरिन बोलते हैं या तो कन्याकुमारी कहते हैं, याद रखना केप कमोरिन, केप कमोरिन या कन्याकुमारी, क्लियर है, इसको बोलते हैं आप लोग का हमारे दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु एकदम पॉइंट को और अंदर देखा जाता है आप लोग का अंडमान निकोबार जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप ये आप लोग का हमारा पहले यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप है, तो यह छठवें अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है, छठवें, फिर सातवें आठवें को तमिलनाडु, तो अंडमान निकोबार पहले स्पर्श करता है। तो हम लोग अंडमान की बात करें तो यहां पर 6 डिग्री आप लोग का 4-5 सेकंड, ठीक है 4-5 सेकंड को स्पर्श करते हुए ऊपर निकल जाता है आप लोग का, ठीक है। तो अगर हम रियल में देखें तो हमारा जो उत्तर से दक्षिण की दूरी हमारा अर्थात अक्षांशी रेखा में 6 से 37 के मध्य में स्थित है रियल में, लेकिन हमारे देखा जाए तो तमिलनाडु को जो प्रत्यक्ष रूप से हमारा किसको माना जाता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर से लद्दाख क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहते हैं ना भाई, वो इसी की दूरी है, ठीक है। इंदिरा कॉल से केप कमोरिन याद रखना, इंदिरा पॉइंट तक, ठीक है। केप कमोरिन को हमारा जो अंडमान निकोबार की तरफ को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट याद रखना, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं हमारे भारत को, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और हमारे भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट याद रखना, ठीक है। केप कमोरिन, कन्याकुमारी, ये हो गया दोस्तों आप लोगों का क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण की दूरी हो गया, क्लियर है, उत्तर से दक्षिण की दूरी हो गया, उत्तर से दक्षिण की दूरी समझ में मिल गया, जिसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, टोटल लंबाई ये हो गया 3214 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, देशांतर की। तो देशांतर में हमारा इधर पूर्वी देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर टोटल इधर 180 है और इधर 180, तो यह हमारा जीरो है। तो 180 में गिनती 1 से लेकर जाए तो 68 नंबर पर, 1 करते करते जाए 1 2 3 4 5 करते जाए तो 68 नंबर पर, 68 नंबर पर आप लोगों का क्या है, 68 नंबर पर हमारा देखा जाए तो यहां पर 68 नंबर हमारा आप लोग का गुजरात तरफ, ठीक है। देखो यह हमारा देशांतर है, तो देशांतर मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पूरब से पश्चिम जाते हैं ना भाई, तो यहां पर हमारा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा, अगर पूछा जाता है यहां पर अरुणाचल प्रदेश, यहां पर अरुणाचल प्रदेश, और यहां पर पश्चिम वाला कौन सा राज्य करके पूछा जाता है, यहां पर गुजरात, क्या भाई गुजरात। तो यहां पर हम लोग पूरब से पश्चिम की दिशा जैसे ही मापेंगे तो समझ जाने कौन सी दिशा को माप रहे हैं आप लोग का, उत्तर से हमारे पूरब से पश्चिम किसको रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं आप लोग का, ये देशांतरी रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा पूरब से पश्चिम दिशा को बताता है, ठीक है दोस्तों। तो पूरब से पश्चिम को बता रहा है आप लोग का, ठीक है, तो पूरब से पश्चिम को बता रहे हैं,
तो पूरब से पश्चिम की दूरी टोटल कितना है? तो हमारे भारत में पूरब से पश्चिम की टोटल दूरी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और सबसे पूर्वोत्तर वाला जिला हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के एक जगह याद रखना दोस्तों आप लोग की बिथू, अरुणाचल प्रदेश में आप लोग जगह याद रखना की बिथू। की बिथू से पूर्वी से पश्चिम तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक जगह याद रखना आप लोग गुहार मोती, गुहार मोती या सर क्रिक कहा जाता है, सर क्रिक, ठीक है, सर क्रिक, ठीक है। गुजरात के आप लोग गुजरात राज्य के गुहार मोती नामक स्थान पर, और आप लोग का अरुणाचल प्रदेश की बिथू से टोटल पूरब से पश्चिम की हमारे देशांतरी है, जो कि देखा जाए तो यहां से यहां तक देशांतरी की बात करते हैं आप लोग का देशांतरी, यह देशांतरी, देशांतरी दूरी कितना है 2933 किलोमीटर। लेकिन हम लोग डिग्री में देखें, अंश में देखें, तो डिग्री और अंश में देखें तो देखो दोस्तों यहां से याद रखना 68 से 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर में ना अपना देशांतर पूर्वी देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से आप लोग का याद रखना पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट में स्थित है आप लोगों का हमारा भारत, ठीक है। देखो तो पूर्वी, अब यहां पर बता दिया मैं, अक्षांशी की बात किया था, अक्षांशी की बात करें तो आप लोग कितना में हो गया दोस्तों 8 डिग्री से आप लोग का क्या हो गया 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आप लोग का 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में उत्तरी अक्षांश में आप लोगों का हमारा भारत देश स्थित है। अब बात करते हैं आप लोगों को देशांतरी रेखा की, तो देशांतरी में बात करें तो हमारे देशांतरी में देखो 68 पूर्वी देशांतरी, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य में हमारा भारत देश स्थित है। अगर बात करें उत्तर से दक्षिण हमारा अक्षांशीय दूरी बात करें तो आप लोग का 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की दूरी। अगर बात करें हम देशांतरी दूरी अर्थात पूर्वी से पश्चिम की, तो आप लोग का क्या हो जाएगा हमारा टोटल 2933 किलोमीटर। ये होगा दोस्तों आप लोग का अक्षांशीय और देशांतरी की समझ, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग, लिखते चलना, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना दोस्तों, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग हमारे भारत देश में, ठीक है, किसके बात करते हैं, देखो भारत देश में हम लोग सबसे टोटल बात करें अगर विश्व की, तो हमारे पूरे भारत देश में सबसे पहले हम लोग देख देते हैं जनसंख्या की बात करते हैं, इधर देखो, इधर जनसंख्या की बात करते हैं, ये जनसंख्या हो गया आप लोग का, ठीक है, पॉपुलेशन। अब इधर बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल की, ठीक है, इधर मैं क्षेत्रफल इधर मिटा देता हूं तो समझ में आ गया। ठीक है, चलो जनसंख्या और क्षेत्रफल को समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्या बता देता हूं, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताता हूं, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा को बता देता हूं, ठीक है, जो कि हमारा यहां पर जो था, यहां पर एक कर्क रेखा गुजरा था ना, जो कि हमारा भारत देश होकर गुजरा था कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा देखो दोस्तों हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, कौन से राज्य को, 8 राज्यों को, तो यहां पर है आप लोग का कर्क रेखा, ठीक है, यहां पर है कर्क रेखा, यह कर्क रेखा, तो कर्क रेखा हमारे भारत के जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से अगर गुजरता है, कितने राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से अगर कर्क रेखा गुजरता है, वो 8 राज्य क्या क्या है, सबसे पहले याद रखना गुजरात, फिर याद रखना यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान के बाद है एमपी, एमपी के बाद यहाँ पर लगा है सीजी, सीजी के बाद यहाँ पर लगा आप लोग का झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पर लगा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पर लगा है आप लोग का त्रिपुरा, और यहाँ पर लगा है आप लोग का मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम होते हुए निकल जाता है उधर, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से होकर गुजरती है आप लोग का कर्क रेखा, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवा वेस्ट बंगाल, सातवा त्रिपुरा, और लास्ट 8वां मिजोरम, क्लियर है। इस प्रकार होगा आप लोग का कर्क रेखा। अब भारतीय मानक समय रेखा की बात करें, हमारा ग्रीन मीन टाइम इंग्लैंड, ग्रीन विच जगह से उधर विश्व सुधर से आता है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक जगह है नैनी, ठीक है दोस्तों, नैनी इलाहाबाद अर्थात है ना, याद रखना नैनी यहाँ सीधा गुजरता है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर जाता है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर जाता है, क्लियर है। इधर यूपी, यूपी के बाद याद रखना है एमपी, यूपी के बाद याद रखना है
एमपी, एमपी के बाद याद रखना है सीजी, सीजी के बाद याद रखना है आप लोग को उड़ीसा, उड़ीसा के बाद याद रखना है आंध्र प्रदेश। इस प्रकार पांच राज्यों से होकर हमारा आईएसटी गुजर जाता है। ठीक है, भारत में याद रखना जो कि हमारा ये 82 डिग्री पर है आप लोग का आईएसटी भारतीय मानक समय रेखा हमारे भारत में। ठीक है, तो हमारे कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8। पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा सीजी, फोर्थ चौथा उड़ीसा और लास्ट का पांचवा आप लोग का आंध्र प्रदेश। इस प्रकार हमारे पांच राज्यों से होकर आईएसटी मानक समय रेखा गुजरता है। क्लियर है दोस्तों, ये हो गया। अब देखते हैं आप लोगों का, हम लोग देख लेते हैं, मान चलो जनसंख्या देख लेते हैं हमारे भारत देश में जनसंख्या की। ठीक है, और देख लेते हैं क्षेत्रफल की, देख लेते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग जनसंख्या के बारे में देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, जनसंख्या के बारे में देखते हैं। तो जनसंख्या में सबसे पहले पूछा जाता है पूरे विश्व के तुलना में हमारा भारत देश की जनसंख्या कितना है, पूरे विश्व के तुलना में। तो विश्व के तुलना में अगर देखा जाए हमारा जनसंख्या, भारत जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो 17.5% दोस्तों, पूरा विश्व के तुलना में, विश्व की तुलना में वर्ल्ड की कंपेयर किया जाए तो विश्व के तुलना में हमारा भारत देश की जनसंख्या प्रतिशत में 17.5% है। अगर इसके हम अंकों में लिखे तो जनगणना 2011 के अनुसार, सेंसस 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार देखा जाए तो ये जनसंख्या जो है हमारा कितना था दोस्तों, 1,21,00,000, लगभग याद रखना है 1,21,00,000 इस हमारा 2011 जनसंख्या, 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितना है, कितना था दोस्तों आप लोग का, 1,21,00,000 याद रखना जनगणना 2011 के अनुसार पूरे विश्व का, जो कि 17.5% है। क्लियर है, जनसंख्या बात करें जब पूरे विश्व में कौन से नंबर पर है, अगर नंबर की बात करें तो जनसंख्या में हमारे भारत देश दूसरे नंबर पर है। किसके अनुसार, आप लोगों का जनगणना 2011 के अनुसार कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। प्रथम पर कौन है, चीन। प्रथम आप लोग का याद रखना है, प्रथम याद रखना है आप लोग को चीन, और सेकंड याद रखना है भारत, तीसरा याद रखना है इंडोनेशिया, उसको छोड़ो लेकिन ये दोनों याद रखना चाहिए, पहला भारत, पहला चीन और दूसरा भारत। जनसंख्या में भारत सेकंड है, अभी कई जगह न्यूज में देखने को मिला था कि भारत पहला आ गया है, जब डाटा पूरा आएगा तब देखना दोस्तों, अभी फिलहाल हमारा भारत सेकंड नंबर पर याद रखना। क्लियर है, ये हो गया। अब बात करते हैं हमारा जनसंख्या के बारे में हो गई, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल में हमारा भारत देश पूरे विश्व का 7वें नंबर पर है, कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर, पूरे विश्व कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। तो 7वें नंबर पर है तो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत पर 7वें नंबर पर है, तो याद रखना 2.4%, विश्व का अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टू एरिया मापा जाए तो 2.4% है, 2.4% क्षेत्रफल में। और बात किया जाए क्षेत्रफल 2.4%, उसको हम अंक में लिखे तो कितना हो जाएगा, तो याद रखना जो हमारे विश्व के 2.4% है तो ये हमारे भारत के पूरा क्षेत्रफल, तो भारत का हमारा पूरा क्षेत्रफल देखा जाए तो आप लोग का दोस्तों 32,87,263, याद रखना 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत देश पूरा क्षेत्रफल इसका फैला हुआ है। और जनसंख्या पूरी इतना क्षेत्रफल में हमारा जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार आप लोगों का 1,21,00,000 लगभग है। ठीक है, जो कि पूरे विश्व का अगर जनसंख्या में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है चीन के बाद भारत, और सात क्षेत्रफल में 7वां नंबर पर है। तो पहला क्या है दोस्तों, तो पहला याद रखना रूस, पहला रूस याद रखना, दूसरा याद रखना कनाडा, तीसरा याद रखना आप लोग चीन, चौथा याद रखना दोस्तों आप लोग का हो जाएगा यूएसए अर्थात अमेरिका याद रखना, अमेरिका के बाद पांचवा में याद रखना आप लोग ब्राजील याद रखना, छठवां में याद रखना दोस्तों आप लोग का ऑस्ट्रेलिया याद रखना ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर हमारा भारत देश। क्लियर है दोस्तों, सातवें नंबर पर क्या हमारा भारत देश। तो याद रखना आप लोग पहला क्या बता दिया क्षेत्रफल में, आर सी सी फिर उसके बाद ए बी, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ए बी, ठीक है, र से रूस, सी से कनाडा, फिर सी से आप लोग का क्या हो जाएगा चीन, फिर ए से याद रखना अमेरिका, बी से याद रखना आप लोग अमेरिका के बाद
ब्राजील, उसके बाद एस याद रखना आप लोग को ऑस्ट्रेलिया, फिर बीस आप लोग का हमारा प्यारा भारत देश सातवें नंबर पर। क्लियर है? इस प्रकार से याद रखना इतना, ये पूरा हमारा पूरा जनरल इंफॉर्मेशन दोस्तों हमारे पूरे भारत देश का। अगर बात करते हैं कि हमारे पूरे भारत देश में, ठीक है, देखा जाए तो देखो तटीय रेखा, देखो तटीय रेखा, ठीक है, हमारे भारत देश में तटीय रेखा, ठीक है दोस्तों, पूरे इतना समझ मिल गया। अब देखते हैं पूरे भारत में पूरा तटीय क्षेत्र को देखते हैं। हमारे पूरे भारत देश में 9 तटीय क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें का हमारा पश्चिम में आप लोग का 5 क्षेत्र और आप लोग का पूर्वी में 4 क्षेत्र, टोटल 9। देखते हैं, तो सबसे पहले समझने से पहले हम लोग क्या समझ लेंगे, आप लोगों का समझ लेंगे सबसे पहले मैप बना करके। तो एक पहले सबसे पहले मैप बना लेना दोस्तों आप लोग, ये आप लोग का मैप हमारा, ये आप लोग का भारत का मैप समझ लो दोस्तों। क्लियर है? तो भारत के मैप में हम लोग समझेंगे, देखो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोग का तटीय रेखा, क्या पढ़ रहे हैं, तटीय रेखा। तो तटीय रेखा हमारे भारत में कितना तटीय रेखा बताया मैं आप लोग का, 9, याद रखना दोस्तों 9 तटीय रेखा, कितना रेखा, 9 तटीय रेखा। तो 9 तटीय रेखा कहाँ कहाँ बताया, इधर मिल जाएगा आपको पश्चिम की तरफ मिल जाएगा, इधर पूर्व की तरफ मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल आप लोग का 5 आप लोग का पश्चिम में मिलेगा और 4 आप लोग का पूर्व में मिलेगा। क्लियर है? टोटल कितना हो जाएगा आप लोग का, 9। तो देखते हैं दोस्तों आप लोग का पश्चिम में, सबसे पहले देखते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में सबसे पहले याद रखना यह है गुजरात, गुजरात तटीय रेखा 1, गुजरात के नीचे मिल जाएगा आप लोग को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र। इसके बाद यहां पर रखना गोवा, गोवा के नीचे में याद रखना केरल, ठीक है दोस्तों, गोवा के बाद, गोवा के बाद याद रखना कर्नाटक, कर्नाटक सॉरी, पहले गुजरात फिर महाराष्ट्र फिर गोवा फिर याद रखना कर्नाटक फिर याद रखना केरल, ये कर्नाटक है फिर ये केरल है। ये टोटल पश्चिम में हमारा क्या हो गया, 5, पश्चिम में 5 आप लोग का क्या क्या हो गया, देखो पश्चिम में पहले गुजरात याद रखना है, फिर आप लोग का महाराष्ट्र याद रखना है, फिर गोवा याद रखना है, फिर कर्नाटक याद रखना है, फिर आप लोग का केरल याद रखना है। ये 5 आप लोग का पश्चिम तरफ हमारा तटीय क्षेत्र हो गया। अब देखें 4 देखते हैं इधर पूर्वी तरफ, तो पूर्वी तरफ में 4 देखना, सबसे पहले यहाँ पर याद रखना वेस्ट बंगाल 1, वेस्ट बंगाल के बाद नीचे में याद रखना उड़ीसा, ये उड़ीसा, फिर यहाँ पर याद रखना आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर याद रखना तमिलनाडु। क्लियर दोस्तों? ये 4 आप लोग का क्या होगा हमारा, 9 के 9 तटीय क्षेत्र हो गया, पूर्व में 4 और पश्चिम में 4। एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र कौन है हमारे भारत में, तो याद रखना आप लोग का गुजरात, गुजरात सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र है हमारा भारत देश में, जो कि 1214 किलोमीटर पूरा है दोस्तों, ठीक है, 1214 किलोमीटर। और सबसे कम तटीय क्षेत्र करके पूछा था तो गोवा याद रखना, सबसे कम तटीय क्षेत्र गोवा जो कि 101 किलोमीटर है। क्लियर है? क्या बताया मैं, देखो यहां से आपका जो तटीय क्षेत्र है, देख गुजरात में हमारे जो तटीय क्षेत्र है टोटल आप लोग का देखा जाए तो 1214 किलोमीटर ना, ये आप लोग का तटीय क्षेत्र है, जो कि तटीय क्षेत्र का नाम क्या है थोड़ा सा कच्छ में आएगा, कच्छ करण में, और कच्छ के बाद याद रखना काठियावाड़ याद रखना, क्या याद रखना, काठियावाड़, क्या देखो काठियावाड़, ये दोनों कच्छ, कच्छ का तट और काठियावाड़ तट कौन से राज्य के अंतर्गत आता है, तो हमारा गुजरात, जो कि सबसे ज्यादा लंबा है और 1214 किलोमीटर है। क्लियर? अब देखा जाए हमारा गुजरात के बाद एकदम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में याद रखना आप लोग को, ये देखो ये जो महाराष्ट्र जो गोवा है, तो महाराष्ट्र गोवा में समझना है आप लोग, यहां पर मिल जाएगा आप लोग को कोंकण तट, कौन सा तट, कोंकण तट याद रखना दोस्तों, कोंकण, कोंकण तट कहां है करके पूछा था, तो महाराष्ट्र गोवा के मध्य, ज्यादा से ज्यादा गोवा याद रखना, गोवा के पास क्या आप लोग का कोंकण तट। क्लियर है? अब गोवा से देखो दोस्तों हमारे गोवा से आ जाएंगे इधर हमारा केरल, कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोलते हैं, है ना, कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़, ठीक है दोस्तों, तो कन्नड़ याद, कन्नड़, कन्नड़ तट कहा जाता है आप लोग का कर्नाटक का, कौन सा तट, कन्नड़ तट, तो कन्नड़ तट आप लोग का कहां, कौन से राज्य समीप है आप लोग का, किसका तटीय सीमा है, कन्नड़ आप लोगों का, हमारा कर्नाटक का। अब बात करते हैं केरल, केरल में याद रखना दोस्तों हमारा हो जाएगा ये केरल आप लोग का हो जाएगा मालाबार। क्लियर है दोस्तों? केरल में जाकर माला पहनना, तो केरल का तट हो जाएगा आप लोग का मालाबार, क्या हो जाएगा, मालाबार याद रखना, मालाबार, मालाबार किसका तट है आप लोग का, केरल का, केरल का तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मालाबार कहा जाता है, याद रखना। ये हो गया दोस्तों याद।
अब देखा जाए सबसे अब इधर इधर देखा जाए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें इधर के तट को, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कोरोमंडल याद रखना। क्या याद रखना? कोरोमंडल याद रहेगा, कोरोमंडल ठीक याद रखें, तमिलनाडु में ज्यादा क्षेत्र में है कोरोमंडल। अब उसके बाद तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र क्या है करके पूछा जाएगा तो कोरोमंडल, और आंध्र प्रदेश का प्रॉपर पूछा जाएगा, आंध्र प्रदेश का तो याद रखना उत्तरी सरकार, ठीक है। उत्तरी सरकार किसका है भाई, कौन से तटीय का नाम है, तो हमारे आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। बात आते हैं उड़ीसा, उड़ीसा के तटीय का क्या नाम है दोस्तों, तो याद रखना उत्कल, क्या है उत्कल याद रखना उत्कल, क्लियर है उत्कल याद रखना। इसके बाद याद रखना उत्कल के बाद हमारा जो वेस्ट बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है इसको कहा जाता है आप लोग का वेगी, वेगी याद रखना, वेगी या वेगा, ठीक है वेगी याद रखना आप लोग। इस प्रकार से टोटल आप लोग का सभी तटीय क्षेत्र है हमारे भारत में, ठीक है, जो कि सबसे लंबी सीमा सीमा रेखा कौन है हमारा तटीय क्षेत्र का, गुजरात, कितना किलोमीटर 1214 किलोमीटर। सबसे कम गोवा, गोवा का कौन सा कोंकण तट, कोंकण तट कितना है मात्र 101 किलोमीटर, क्लियर 101 किलोमीटर याद रखना 101 किलोमीटर, क्लियर है दोस्तों इतना। अब एग्जाम में पूछा जाता है हमारा सबसे ये जो तटीय क्षेत्र है, टोटल में जो बता दिया आप लोग का जो तटीय क्षेत्र है यहां से लेकर का पूरा तटीय क्षेत्र, ये टोटल ये पूरा पानी से भरा, इधर आप लोग का हमारा अरब सागर, इधर आप लोग का हिंद महासागर, पूरा जो तटीय क्षेत्र है ये तटीय क्षेत्र कितने की वर्ग किलोमीटर फैला करके पूछा जाता है याद रखना आप लोग। देखो देखो दोस्तों टोटल हमारा तटीय क्षेत्र भारत में, तटीय क्षेत्र याद रखना आप लोग टोटल 7516 किलोमीटर, कितना है दोस्तों 7516 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है टोटल आप लोगों का, क्लियर है 7516 वर्ग किलोमीटर में आप लोगों का टोटल हमारा तटीय क्षेत्र फैला हुआ है, जो कि टोटल 9 हमारा क्या है तटीय क्षेत्र जो रखा है यही पर है आप लोगों का हमारा कितने किलोमीटर में 7516 वर्ग किलोमीटर। याद रखें दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कितना 7000 टोटल हमारा तटीय क्षेत्र की बात किया जाए तो कितना है तटीय क्षेत्र की 7516 वर्ग किलोमीटर, क्लियर है याद रहेगा। अब एग्जाम में पूछा जाएगा ये तो हमारा तटीय क्षेत्र हो गया, अब तटीय के बाद देखा जाएगा दोस्तों हमारा पूरा जो ये सूखा क्षेत्र आप लोग हमारे अंदर में क्या कहेंगे इसको हिंदी में स्थलीय क्षेत्र, क्लियर है ये हमारा तटीय क्षेत्र पानी वाला, ये हमारा स्थलीय क्षेत्र सूखा वाला, ये हमारा टोटल इतना जो सब बचा है जो स्थलीय क्षेत्र है ये इसका जस्ट डबल है, अगर 7 का डबल कर देंगे 750 का डबल कर देंगे क्या हो जाएगा 15200 वर्ग किलोमीटर में आप लोग का पूरा हमारा स्थलीय क्षेत्र है आप लोग का, ये पूरा स्थलीय क्षेत्र 15200 वर्ग किलोमीटर में, तो 15200 वर्ग किलोमीटर में हमारा क्या फैला हुआ है स्थलीय क्षेत्र, क्लियर है दोस्तों। ये आप लोग का टोटल हमारा सामान्य परिचय होता है हमारे पूरे भारत देश का, और कुछ कुछ मैं बता दूं सामान्य परिचय में हमारे भारत देश की अभी प्रधानमंत्री कौन है तो नरेंद्र दास मोदी याद रखना, ठीक है दामोदर नरेंद्र दास मोदी। अगर देखा जाए राष्ट्रपति कौन है तो आप लोग राष्ट्रपति कौन है भाई अभी द्रौपदी क्या बोलते हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो हॉकी, अगर बात करते हैं राष्ट्रीय पेड़ की तो आप लोग बरगद, राष्ट्रीय मिष्ठान अर्थात मिठाई की तो जलेबी, ये सभी सामान्य परिचय हमारे छत्तीसगढ़ भारत देश का पूरा ऐसा को समझना है दोस्तों, और समझेंगे हम लोग कि अभी धीरे धीरे टोटल यहाँ पर कहाँ क्या हमारा खनिज है, क्या क्या राष्ट्रीय उद्यान है, क्या क्या आप लोग का अभ्यारण है, सबको टोटल समझेंगे दोस्तों, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से आपका राजकीय वृक्ष है, राजकीय आप लोग का फल है, पशु है, सब समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अब मैं विदा लेना चाहूँगा, और यदि मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होगे तो देख लेना, और आज ये दूसरा वीडियो है, ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।